होली पर्व को लेकर मंडावर थाने और सीएलजी मीटिंग का किया गया आयोजन। मनोज खंडेलवाल की खास रिपोर्ट। दौसा के मंडावर उपखंड मुख्यालय पर स्थित पुलिस थाना परिसर में नवीन थाना प्रभारी रामनिवास मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की मीटिंग आहूत की गई। इस दौरान थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने सभी उपस्थित सीएलजी सदस्यों को कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के लावारिस बेघर मंदबुद्धि व्यक्ति अगर आपकी नजर में है तो उसे अपना घर आश्रम भरतपुर की स्थानीय टीम को सूचित करें, जिससे उक्त व्यक्ति को वहां ले जाया जा सके। साथ ही नियत आवाज से तेज आवाज में साउंड या गाने बजाकर निकलने वाले साधन, बुलेट, मोटरसाइकिल चालकों द्वारा पटाखों जैसी भयानक आवाज निकालने वाले वाहनों के नंबर नोट करें और पुलिस को सूचित करें, जिससे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। साथ ही क्षेत्र में उधर बेवजह घूमकर बालिकाओं व महिलाओं पर फप्तियां कसने, उन्हें तंग करने वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस की गश्त मजबूत की जाएगी। क्षेत्र में चल रही बोर्ड व अन्य परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षार्थियों की छुट्टी के समय परीक्षा सेंटरों के साथ पुलिस की गश्त लगाने सहित सोशल मीडिया पर अफवाह व भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही आगामी होली के त्योहार को भाईचारे से मनाने, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। इस दौरान मंडावर क्षेत्र के सीएलजी सदस्य व थाना स्टाफ व क्षेत्रीय पत्रकार मौजूद रहे।